गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे इन मेजरमेंट चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ वेट. सो स्टूडेंट, आज हम जो वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे, एग्जाम्पल वन, ए गर्ल वेट 35 kg. सी लॉस्ट 3 kg 75 g वेट ड्यू टू फीवर. वॉट इज हर वेट नाउ? एक गर्ल है जिसका जो वेट है वो क्या है, 35 kg है. लॉस्ट कर देती है 3 kg एंड 75 g वेट उसका कम हो जाता है. किसके वजह से? फीवर के वजह से. अब बताइए उसका वेट कितना है. तो हाउ यू राइट द सॉल्यूशन? चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं. व्हाट यू डू? एडिशन और सब्ट्रैक्शन. यस, सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि उसका जो वेट है वो घट गया ना फीवर की वजह से. तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमको पता चल जाएगा कि अब उसका वेट कितना है. तो हम कैसे लिखेंगे? हाउ यू राइट द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन, एक गर्ल का वेट कितना था? 35 kg. ठीक है. सी लॉस वेट ड्यू टू फीवर. कुछ वेट उसके कम हो जाते हैं किसकी वजह से? फीवर की वजह से. कितने वेट कम हो जाते हैं? 3 kg 75 g. 3 kg 75 g. अब हम kg ग्राम को अलग अलग कॉलम में लिख लेंगे. उसका वेट पहले कितना था गर्ल का? 35 kg. यहाँ पे ग्राम नहीं गिवन है तो इन द प्लेस ऑफ ग्राम वी राइट 30. ठीक है. अब उसने कितना वेट लॉस कर दिया? 3 kg 75 g. ठीक है. हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा उसका वेट अब कितना है. अब देखिए, 0 में से 75 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो हम बोरो लेंगे तो इसके पास हो जाएगा 34 kg के पास. kg जब ग्राम को 1 kg देगा तो 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 1000 g होता है. ठीक है. तो kg ने ग्राम को दिया 1 तो इसके पास कितना हो जाएगा? 1000 g. अब ये बोरो लेंगे. अब 0 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं होगा. इसके पास भी 0 है, इससे भी बोरो नहीं ले पाएगा, इससे भी नहीं बोरो ले पाएगा. अब देखिए, इसने इसको बोरो दिया, इसके पास कितना हो जाएगा? 10. इसके पास बचेगा 0. अब इसने इसको दे दिया, इसके पास हो जाएगा 10 और इसके पास कितना बचेगा? 9. अब 10 वाला 0 को देगा तो इसके पास हो जाएगा 10 और इसके पास कितना बचेगा? 9. अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. 10 - 5 - 5. 9 - 7 - 2. 9 वी राइट एज इट इज 9. यहाँ 4 - 3 - 1. 3 वी राइट एज इट इज 3. तो क्या आंसर आ गया? 31 kg 925 g. हम क्या लिख सकते हैं? Therefore, वेट ऑफ गर्ल नाउ इज 31 kg 925 g. ठीक है. एग्जाम्पल टू, ए बकेट फुल ऑफ वाटर वेट 40 kg वाइल द एम्प्टी बकेट वेट 5 kg 45 g. वॉट इज द वेट ऑफ वाटर? एक बाल्टी है जो पानी से भरी हुई है जिसका वेट क्या है? 40 kg है. ठीक है. जबकि एक जो खाली बकेट है, वाइल द एम्प्टी, जब ये खाली थी तो इसका वेट कितना था? 5 kg 45 g था. अब इसमें जब पानी रख दिया गया तो कितना हो गया? 40 kg हो गया. तो अब पूछा है कि वेट ऑफ वाटर कितना होगा. ठीक है. आप क्या करेंगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन. यस, सब्ट्रैक्शन करेंगे. हाउ यू राइट द सॉल्यूशन? पहले क्या लिखेंगे? वेट ऑफ अ बकेट फुल ऑफ वाटर. वाटर से भरी जो बाल्टी है उसका वेट कितना है? डैट इज 40 kg. वॉट यू राइट नाउ? वेट ऑफ एम्प्टी बकेट, खाली बकेट. खाली बकेट कितने वेट की थी? 5 kg 45 g. अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा. वेट ऑफ वाटर हमको पता करना है
पे हम के जी लिखेंगे, यहाँ पे जी लिखेंगे अलग अलग। तो अगर हम वेट ऑफ ए फुल बकेट ऑफ वाटर, जो पानी से भरी बाल्टी है उसके वेट से अगर हम एम्प्टी बकेट की वेट सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो बकेट का वेट होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमको वेट ऑफ वाटर पता चल जाएगा। तो फर्स्ट वी राइट वेट ऑफ अ बकेट फुल ऑफ वाटर, वाटर से भरी बाल्टी का वेट कितना है 40 kg। यहाँ पे ग्राम नहीं गिवेन है तो इन द प्लेस ऑफ ग्राम वी राइट 30, बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000। इन 1000 हाउ मेनी जीरो 30, तो वी राइट इन द प्लेस ऑफ ग्राम 30। एंड वेट ऑफ एम्प्टी बकेट को हमको सब्ट्रैक्ट करना है 5 kg एंड 45 ग्राम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए जीरो में से 45 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो हम बोरो लेंगे इससे, तो इसके पास हो जाएगा 40 है तो 39 हो जाएगा। और 1 kg अगर ग्राम को देता है, केजी अगर ग्राम को देता है तो 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम, तो ग्राम को कितना हो जाएगा 1000। अब हम ग्राम से ही बोरो लेकर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए जीरो है, ये भी नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ से लेंगे बोरो तो यहाँ भी नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ से लेंगे बोरो यहाँ। अब यहाँ से हम बोरो लेंगे तो इसने इसको दिया, इसके पास 10 हो गया, इसके पास बचा जीरो। अब जीरो फिर इससे लेगा तो इसके पास हो जाएगा 10 और इसके पास कितना बचेगा 9। अगेन अब इसको इसने दिया तो इसके पास हो जाएगा 10 के पास 9 और इसके पास क्या हो जाएगा 10। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 4 5, 9 वी राइट एज इट इज़ 9, 9 माइनस 5 4 3, वी राइट एज इट इज़ 3। तो आपका क्या आंसर आ गया 34 kg 955 ग्राम। दस द वेट ऑफ वाटर इज 34 kg 955 ग्राम। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ इट इज प्रैक्टिस टाइम, एक्सरसाइज 10th J, पेज नंबर 134। क्वेश्चन 1, ए बॉय वेट 45 kg, ही लॉस्ट 2 kg 25 ग्राम वेट ड्यू टू फीवर। ठीक है, वॉट इज हीज वेट नाउ। एक बॉय है जिसका वेट कितना था 45 kg था, उसने लॉस कर दिया, उसका वेट कम हो गया 2 kg 25 ग्राम वेट कम हो गया, किसके वजह से फीवर के वजह से। अब बताइए उसका वेट कितना है, क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, वेट कितना था बॉय का, उससे कितना लॉस हुआ उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा अब बॉय का वेट कितना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ए बकेट फुल ऑफ ए वाटर वेट 20 kg, वाइल द एम्प्टी बकेट वेट 2 kg 25 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर। एक बाल्टी है जो पानी से भरी हुई है जिसका वेट 20 kg है, जब वो बकेट खाली थी, उस बाल्टी खाली थी तो उसका वेट कितना था 20 kg 25 ग्राम था, बताइए वेट ऑफ वाटर कितना है। तो आपको पता है अगर हम वेट ऑफ अ बकेट फुल ऑफ वाटर को वेट ऑफ एम्प्टी बकेट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको पता चल जाएगा वेट ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि तब हम एम्प्टी बकेट का जो वेट है उसको हम निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा वेट ऑफ वाटर कितना है। आई होप यू विल डू करेक्टली, कर लेंगे ना। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ वेट। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट कंटेंट, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।